बच्चों पाठ दो वर्ण विचार का हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्ण का अर्थ एवं परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों के भेद, स्वर तथा व्यंजन, हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्वरों की मात्रा को समझे थे। आज हम स्वर की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद, संयुक्त व्यंजन, द्वित्य व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अयोगवाह, अनुस्वार और अनुनासिक को समझेंगे। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प यानी थोड़ा, कम। प्राण यानी वायु, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, यानी वर्गीय वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। वर्गीय वर्ण क्या होता है? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ, च वर्ग के अंतर्गत च छ झ झ ञ, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ढ ढ ळ, त वर्ग के अंदर त थ थ ध न और प वर्ग के अंदर प फ भ भ म। तो इस तरह वर्गीय वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? तो अल्प प्राण होता है, तथा य, र, ल, व और स्वर भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण, महाप्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अब वर्गीय वर्ण में पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण में कम वायु निकल रही है, लेकिन दूसरे और चौथे वर्ण में अधिक वायु निकल रही है। तो वर्गीय वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अब उच्चारण करके आपको समझाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो इस तरह क बोलने में बहुत ही कम समय लगा, लेकिन ख बोलने में वायु की मात्रा अधिक निकली, फिर ग बोलने में वायु कम निकला, फिर घ बोलने में अधिक मात्रा में निकला और अंग में कम मात्रा में निकला। अब संयुक्त व्यंजन देखें। जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब दो व्यंजन, ये दो भिन्न व्यंजन हैं, च और छ, क और क समान व्यंजन हैं और छ और त्र, ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले व्यंजन छ, त्र, ज्ञ एवं श्र होता है। चार ऐसे व्यंजन होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम लिखते हैं तो क और श का प्रयोग न करके हम छ बोलते हैं, त और र का प्रयोग नहीं करते हैं, त्र का प्रयोग करते हैं, ज और य का प्रयोग नहीं करके बल्कि ज्ञ का प्रयोग करते हैं, श और र की जगह पर स्र का प्रयोग करते हैं। तो ये चारों व्यंजन क्या हो गए? तो स्वतंत्र व्यंजन हुए। ये चारों संयुक्त व्यंजन हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। अब छ, क्षमा, छ ज्यों का त्यों प्रयोग हुआ, छत्री, छ का प्रयोग ज्यों का त्यों है, त्रिभुज में त्र का प्रयोग, त्रिभुवन में त्र, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञ और ज्ञ, स्र और श्र। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रसन्न, न और न समान व्यंजन है, सज्जन, ज और ज समान व्यंजन है, उद्देश्य, द और द समान व्यंजन है। संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। द और य, जैसे विद्यालय, अलग अलग अक्षर हैं। हम लोग संयुक्त व्यंजन में भी अलग अलग अक्षर पढ़े थे, लेकिन उसमें चारों जो वर्ण थे छत्र, ज्ञ और श्र, उनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम दोनों वर्ण का प्रयोग एक साथ लिखेंगे। त और म, आत्म, श धन त, अस्त आदि, अयोगवाह। अंग और अह,
अयोग वाह वर्ण होते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अयोग वाह का हम प्रयोग अंग अनुस्वार, अनुस्वार का बिंदु अ का सहारा लेकर ही प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल इसका हम प्रयोग अलग से नहीं कर सकते, बिना अ के सहारे उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे पंखा, तो पंखा तो प के साथ अ भी लगा हुआ है, उसके बाद ये प्रयोग होता है बिंदु का। विसर्ग, विसर्ग का भी प्रयोग, ये दोनों बिंदु का प्रयोग हम ये दोनों बिंदु का प्रयोग अ का सहारा लिया हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण करते समय आधा ह भी मुख से निकलता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। अनुस्वार, जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, यानी यह बिंदु अनुस्वार है। वन कंघा, कंघा में बिंदु लगा हुआ है वह अनुस्वार है। वंदन, वंदना में बिंदु जो लगा है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो अनुस्वार कहते हैं। यह बिंदु किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो पंचम अक्षर के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एक संस्कृत का नियम है, यदि म के बाद किस स्पर्श व्यंजन आए, यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो म सामने वाले वर्ण के स्थान पर, के पांचवें स्थान पर बदल जाता है। जैसे मान लो कि कम धन गा घा, तो घ म सामने वाला वर्ण क्या हुआ, घ हुआ, तो घ का पांचवा वर्ण क्या है, अंग। तो इस तरह कंघा। अब देखिए वम प्लस वन प्लस दना, वम प्लस दना, तो म किस में बदलेगा, तो द का पांचवा वर्ण क्या है, न है, तो न में बदल गया। इसी तरह व्यंजन, जिन अनुनासिक, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे आँख, चांद, आंचल, आंगन आदि। धन्यवाद।